भारत सरकार के सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध शुक्रवार को भी जारी है। इस विरोध की आंच में मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर में कई जगह पर बवाल हुआ है। युवा सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी केंद्र सरकार की इस नई योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं शिवपुरी में युवा इसको लेकर कोई बड़ा बवाल खड़ा न कर सके, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन शहर में सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया था। फिर भी कुछ 150 युवाओं ने फतेहपुर पानी की टंकी के पास कोतवाली पुलिस ने नजरबंद किया है, जो विरोधी प्रदर्शन करने के फिराक में थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। देश में अग्निपथ योजना को लेकर युवा जो है सड़कों पर है। शिवपुरी में भी इसको लेकर प्रशासन द्वारा चार चौवन व्यवस्थाएं की गई है। इसमें हम लोग भी काफी अलर्ट पे हैं, क्योंकि कल हमारे पास में ग्वालियर जो है हमारा तुम्बागी मुख्यालय, वहाँ पे घटनाएं हुई थी हिंसा आगजनी की, उसको देखते हुए अलर्ट किया गया है। और ऐसे सभी लोग जो भर्ती में के लिए तैयारी करते हैं सेना की भर्ती के लिए, उनके बीच में किस तरह का बातें चल रही हैं उनको कोई भ्रमित ना करे, उनसे अपील भी की गई है कलेक्टर साहब के द्वारा, हमारे मेरे द्वारा भी। इसके बाद भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का तोड़फोड़ कानून को अपने हाथों में ना ले। उनसे कहा गया है कि भाई कोई बात है तो उसको शांतिपूर्ण ज्ञापन वगैरह देंगे तो हम उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि उनमें से कई लोगों ने कुछ हमारे असामाजिक तत्वों ने इस तरीके से डाला है कि कुछ तोड़फोड़ हंगामा करना है उनका मकसद है, तो उनको भी यही बताया लड़कों को कि जो भर्ती की तैयारी करते हैं काफ़ी डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ करते हैं और लंबी तैयारी होती है, तो किसी भी कानून के बारे में अगर उनकी कोई बात उनको संतोष है तो उसको अपना शांतिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं, उनकी कोचिंग के लोगों के माध्यम से बता सकते हैं और उस पर आगे उसको ऊपर खबर की जाएगी। लेकिन किसी भी तरह की अशांति या कोई इस तरह की बात करेंगे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति में हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इससे ऐसे बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। तो मेरी अपील आपके माध्यम से उन्हीं से है कि इस तरह की चीज़ों से अलग रहें और अपना जो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो लगे रहें, क्योंकि सेना के साथ में CAPF और पुलिस की भर्ती भी अभी चल रही है, होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, तो अपने का ध्येय को रखकर अपनी तैयारी करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।